मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आज हम आपको डिफरेंस बताएंगे, अंतर बताएंगे किसके बीच में, ईच एंड एवरी के बीच में, कि आखिर इन दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर होता है, कब हम ईच का प्रयोग करते हैं और कब हम एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य में कैसे पहचाने कि इस वाक्य में हमारा ईच का प्रयोग होगा और इस वाले वाक्य में हमारा एवरी का प्रयोग होगा, जरा ध्यान से समझो। ठीक है, और बेसिकली मैं ये भी बता दूं, अभी मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूं आपको, एडजेक्टिव की पूरी सीरीज चल रही है और ये भी हमारे एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, इसे अलग से मत समझिएगा। ठीक है, सीखते रहिए, समझते रहिए इसको। देखो, ईच और एवरी दोनों का मतलब क्या होता है सर, प्रत्येक होता है, हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो ईच का प्रयोग हमेशा हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, यानी कि ईच का प्रयोग हमारा दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, यानी कि तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, कितने भी हो, दो मिनिमम दो और दो से अधिक कितने भी हो, दोनों के साथ हम ईच का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक, मतलब दो नहीं, या तो वो तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, कितने भी हो, दो से अधिक हो तो वो तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, ठीक है, इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। और ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी कर लेंगे, तीन के लिए भी कर लेंगे, चार हो, पांच हो, छह हो, कुछ भी हो, यानी कि दो या दो से अधिक दोनों के लिए हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। यही बात तो हमने लिखी है, जरा ध्यान से देखो, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, इसका मीनिंग होता है सेम, एवरी का मीनिंग जान लो। ये इसमें कहीं दो या दो से अधिक नहीं लिखा, इसमें सिर्फ हमेशा लिखा है दो से अधिक। अब दो से अधिक हमने यहां पे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो से अधिक तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, कितने भी हो आगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ दो के लिए नहीं। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक, ये डिफरेंस ध्यान से समझते रहना। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस भी समझ लो। दूसरा डिफरेंस होता है कि ईच का प्रयोग हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच जान लेते हैं। ईच का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसको हम प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको हम प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और भैया इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्या समझाया हमने, एडजेक्टिव की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके दोनों पार्ट ऑफ स्पीच। समझिए ध्यान से, एक एक चीज को अगर इस समझ लोगे ना, तब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने कहा ईच का प्रयोग हम प्रोनाउन की तरह भी इसको कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही करते हैं, यानी कि इसका जो प्रयोग होगा वो कभी भी प्रोनाउन की तरह नहीं होगा, हम वाक्य में हमेशा एडजेक्टिव की तरह करेंगे। तो एवरी का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ एक नाउन लेगा, तो एवरी के बाद एक नाउन रखा होगा। एवरी के बाद क्या रखा होगा, एक नाउन रखा होगा। ईच के बाद नाउन रखा भी हो सकता है, नहीं भी, यानी कि ये प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह। जब ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो ईच के बाद एक नाउन नहीं रखा होगा, लेकिन जब ईच का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तब इसके बाद भी एक नाउन रखा होगा। आप नोट कर लो ये वाली, इस वाली चीज को नोट कर लो कहीं पर, कि ईच का प्रयोग हम जो है प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या, यह हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ही एडजेक्टिव होता है, और इसका प्रयोग हमेशा तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, पहले दो डिफरेंस हो गए, अब तीसरा डिफरेंस एक और जान लो। ठीक है, ग्रुप के लिए समझिएगा, मैं दो शब्द यहां पर लिख रहा हूं भैया, एक हमने लिखा ईच और दूसरा हमने एक शब्द लिखा एवरी, ध्यान से समझना, एक ईच लिखा और दूसरा एवरी लिखा। तो देखो, ईच दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ये तो डिफरेंस मैं बता चुका हूं। ये किसी समूह को यानी कि ग्रुप को सम्मिलित रूप से ना दर्शाकर उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाता है। कौन भाई, हमारा ईच। ईच जो है ग्रुप को नहीं दर्शाएगा बल्कि अलग अलग दर्शाएगा, और एवरी
एवरी, ये सिर्फ दो नहीं, ये हटाओ, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, दो के लिए नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, और यह पूरे समूह को सम्मिलित रूप से दर्शाता है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि एवरी जो है वो पूरे समूह को दर्शाएगा, पूरा समूह को, ये अलग अलग नहीं दर्शाएगा। देखो यहां पे मैं एक दो एग्जांपल दूंगा और इस एग्जांपल के थ्रू आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। हमने कहा एवरी स्टूडेंट वाज रीडिंग अ डिफरेंट बुक। अब देखो हमने कहा एवरी किसको शो करता है, बोले सर ग्रुप को, किसको शो करेगा, ग्रुप को। ये हमने लिख लिया भैया यहां पे ग्रुप, और किसको शो करेगा, बोले सर दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, और किसको शो करेगा, बोले सर एडजेक्टिव होना चाहिए। ये तीन ही तो कंडीशन इसके साथ हैं कि भैया एक तो ये एडजेक्टिव की तरह होना चाहिए, पूरे ग्रुप को शो कर रहा हो, और हमेशा दो से अधिक के लिए इसका यूज होगा, यानी कि वो दो से अधिक कितने हो, तीन हो, ठीक है, दो की चर्चा ही मत करो। तो देखो जरा दो से अधिक हाँ हो सकता है, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि वो विद्यार्थी कितने हैं, एक कंडीशन हमारी हो रही है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ये तो फॉलो हो रही है, दो से अधिक है, ठीक है, दूसरी कंडीशन एडजेक्टिव की तरह है, देख लो भैया ये हमारा नाउन है तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, हाँ ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, यानी कि एवरी का प्रयोग यहाँ एडजेक्टिव की तरह, क्या ये ग्रुप को शो कर रहा है पूरे, तो एवरी स्टूडेंट वाज रीडिंग। अब यहां से भाई विद्यार्थियों का समूह तो है, लेकिन वो समूह क्या एक ही किताब पढ़ रहा है, नहीं ना, वो तो डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो ग्रुप क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और जब ग्रुप डिवाइड हो गया भाई, तो डिवाइड के लिए ध्यान रखिएगा हम क्या लगाते हैं, ईच लगाते हैं। देखो यहां पर लिखा है भैया जब ग्रुप अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाए तो ईच लगाएंगे, तो एवरी नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे, जबकि तुम गलती कर सकते हो, क्योंकि तुमने सिर्फ इतना जाना है कि दो के लिए भाई, सिर्फ दो के लिए, दो या दो से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए एवरी, तो तुम्हारे अनुसार तो ये दोनों वाक्य सही हो गए, क्योंकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक, ठीक है, ईच का भी प्रयोग दो से अधिक, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर भाई तीसरी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तीनों कंडीशन लगा करके देख लेना कि एवरी का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह होना चाहिए, तीन या तीन से अधिक हो, ठीक है, और एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा हो। तो भाई दो कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है, ये सेंटेंस एडजेक्टिव की तरह यूज है, और ये जो है इसमें तीन से अधिक भी है स्टूडेंट, पता ही नहीं कितने हैं, दो तो नहीं है, ऐसा कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन देखो इसमें एक ग्रुप को इंडिकेट नहीं है, ये डिफरेंट बुक है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि जो कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी अलग अलग पुस्तक ही पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे एवरी की जगह पे क्या यूज होना चाहिए, सर ईच यूज होना चाहिए। अब अगला देखो, ध्यान से एक एक चीज को प्यार से समझना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने कहा ईच का देख लो यहां पे, अब ये ईच क्यों इनकरेक्ट है, ये चीज समझना जरा ध्यान से। ईच सिटीजन इज गिवन इक्वल राइट, यानी कि हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार दिए गए, इक्वल राइट दिए गए हैं, और जब मेरे भाई बराबर के अधिकार दिए गए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इक्वल राइट दिए गए तो यहां पे कहीं पर भी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, भाई हमने क्या बताया कि एवरी का प्रयोग ग्रुप के लिए होता है, तो इसमें ग्रुप तो नजर नहीं आता, अभी समझना, एवरी का प्रयोग ग्रुप के लिए होता है और ईच का प्रयोग डाइवर्सिटी यानी कि EACH, ईच का प्रयोग अलग अलग चीजों के लिए, यानी कि उस ग्रुप को अलग अलग दिखाया गया। तो देखो ये ग्रुप को शो कर रहा है, बिल्कुल पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको इक्वल राइट वो दिए गए, तो सबको ही दिए गए और एक जैसे दिए गए, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप शो हो रहा है। अब ग्रुप शो हो रहा है तो ईच प्रयोग नहीं होगा भाई, ईच प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, एवरी का प्रयोग होगा, ठीक है, एवरी का प्रयोग होगा। तो इसलिए अब दूसरा एक और एग्जाम्पल समझो भाई, सी हैज अ रिंग ऑन ईच फिंगर,
ईच फिंगर हमने कहा ईच का प्रयोग हम हमेशा दो या दो से अधिक, तो भाई दो से अधिक फिंगर हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, यहां पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ईच का प्रयोग बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, सी हैज अ रिंग ऑन एवरी फिंगर, एवरी का प्रयोग भी हमारा दो से अधिक के लिए होता है, तो यहां पे एवरी भी बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। दूसरा यहां पे देखो, सी हैज अ पैंट ऑन एवरी लेग, अब भाई लेग तो हमारी, अब खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि भाई लेग यानी कि आदमी के जो टांगे होती है ना वो दो ही होती हैं, और जब दो होती हैं तो दो के लिए हम किसका प्रयोग, एवरी का प्रयोग कभी नहीं करते, एवरी का प्रयोग हमेशा तीन या तीन से अधिक हो, दो नहीं, दो के लिए क्या आएगा, ईच आएगा। तो भाई एवरी की जगह पर क्या कर लो, ईच कर लो, एवरी हटा दो और यहां पर ईच कर लो, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस बस समझना अच्छे से। अब आइदर देख लो, आइदर का प्रयोग कब करते हैं भाई, आइदर और नाइदर के बीच में डिफरेंस बताएंगे, ये भी हमारा एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आइदर का प्रयोग भाई दो में से कोई एक चुनने के लिए, और नाइदर का प्रयोग भाई दो में से कोई भी नहीं चुनना है। मान लो आप मार्केट गए और मार्केट से आपको कोई चीज खरीदना है, और उन्होंने दो चीजें निकाल करके रखी, उन्होंने कहा बेटा या तो ये ले लो या ये ले लो, तो दो में से इसका मतलब आप एक ही लोगे, अगर एक ले लेते हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, आइदर, और दो में से अगर एक भी नहीं लेते हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, नाइदर, और दो से अधिक में से अगर कोई नहीं लेते हो, दो से अधिक में से अगर कोई नहीं लेते हो, ठीक है, यानी कि वो 10, 12, 15 है, उनमें से आपको एक भी नहीं चाहिए तो आप नन का प्रयोग करोगे, फिर किसका प्रयोग करोगे भाई, नन का प्रयोग करोगे, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अब देखो आइदर और नाइदर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, बोले सर ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम कर सकता है, आइदर और नाइदर दोनों प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, अभी हम आपको अंतर भी बताएंगे कि कब प्रोनाउन की तरह ये काम करेगा और कब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जब ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इनके बाद एक शब्द लग जाता है ऑफ, ठीक है, चलो देखते हैं। आइदर का प्रयोग दो में से एक और नाइदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के लिए किया जाता है, बता चुका हूं। जैसे आइदर बुक विल बी यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट, आइदर बुक यानी कि दो में से कोई एक, इसका मतलब यह है दो में से आइदर बुक विल बी यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट, नाइदर बाइक गिव्स गुड माइलेज, इसका मतलब जितनी भी बाइक्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो दो बाइक्स हैं आपके पास और दो बाइक्स में से एक भी बाइक आपको एक अच्छा, कोई भी दोनों बाइकों में से कोई सी भी बाइक आपको अच्छा माइलेज नहीं देती, तो ये तो आप समझ गए होंगे, दो में से एक के लिए आइदर और दो में से दोनों के लिए कोई नहीं चाहिए तो नाइदर। अब एज अ प्रोनाउन एक देख लो, देखो यहां पे नाइदर का प्रयोग एज अ प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, देखो जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो इनके बाद आइदर या नाइदर के बाद में एक नाउन, जैसे आइदर प्लस नाउन ऐसे होगा स्ट्रक्चर, या नाइदर प्लस नाउन होगा, तो ये अभी एडजेक्टिव है, ठीक है, और अगर ऑफ लगा इस तरीके से, जैसे यहां पे देखो नाइदर तो लगा है लेकिन इसके बाद यहां पे नाउन नहीं आया, और जब नाउन नहीं आया सीधे क्या आया, ऑफ, और तुम्हें पता है ऑफ लगा करके ये क्या हो जाता है, फिर ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है, डेट मीन्स ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, कोई नाउन या प्रोनाउन करता है, ठीक, तो ये क्या है हमारा, ए भी नाउन है और ए भी नाउन है, दो नाउन का ऐसे प्रेपोजिशन ऑफ से जोड़ दिए गए हैं, ठीक, इतनी बातें हमें, ये सॉरी नाउन बोल दिया हमने, प्रोनाउन, ठीक है, तो नाइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स, अब कितनी शर्ट है यहां पे, सिर्फ दो ही तो हैं, अब दो में से एक भी हमारी जो है वो ब्लू नहीं है, सीधी सी बात, इन दोनों कमीचों में से कोई भी नीली नहीं है। नाइदर ऑफ दी टू सिस्टर, जब दो हैं तो दो के लिए आप क्या लगा सकते हो, नाइदर का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि दोनों बहनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। अब दो से अधिक वस्तु, मान लीजिए दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं चाहिए, तो हमने बता दिया है क्या यूज करोगे, नन,
जैसे चारों लड़कियों में से अब यहाँ पे दो नहीं है बल्कि कितनी है, चार है। अब नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं करोगे, नन ऑफ का प्रयोग करोगे, ठीक है। ध्यान बनाए रखिएगा, अगर यहाँ पे दो होता, अगर यहाँ पे टू गर्ल्स होता तो आप यहाँ पर नाइदर ऑफ का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो चार लड़कियां हैं, तो अब हमने क्या बताया, दो से अधिक के लिए हमेशा नन का प्रयोग करोगे। एक बार चाहो तो अपना डाउट क्लियर कर लो, यहां से बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब ईच एंड एवरी के बाद, देखो ईच एंड एवरी के बाद ऑफ प्रयोग हो तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ईच एंड एवरी के तुरंत बाद क्या रखा हो, नाउन रखा हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यहां पे देखो आइदर के बाद भैया कोई नाउन आया है, बोले सर नहीं आया, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। आइदर के बाद देखो यहां पर कोई नाउन, ये तो वर्ब है हमारी, आइदर और वर्ब के बीच में क्या है, ये नाउन है, तो आइदर के बाद देखो यहां पर एक नाउन आया है, और जब आइदर के बाद नाउन आ जाए तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, फिर क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहां पे देखो नाइदर के बाद कोई नाउन आया है, बोले सर नहीं आया है, तो ये प्रोनाउन है। यहां पर देखो नाइदर के बाद कोई नाउन आया है, बोले सर आया है, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बी2। तो जब नाउन आया है तो ये क्या हो जाएगा फिर भाई, जब नाउन आया है तो ये किसका काम करेगा फिर, एडजेक्टिव का काम करेगा। आप चाहो तो ईच एंड एवरी का ग्रुप वाला यहां से देख सकते हो, ग्रुप वाला हमने थोड़ा सा दिया है। देखो ईच का प्रयोग जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन या थिंग्स के लिए होता है, यानी कि डिफरेंट अलग अलग, और ये पूरा ग्रुप को शो करता है, ये पूरे ग्रुप को शो करता है, कौन, एवरी। एवरी जो है वो शो करेगा भैया ग्रुप को, ग्रुप को, और ईच जो शो करेगा वो इंडिविजुअल पर्सन या थिंग को शो करेगा। जैसे ईच स्टूडेंट इन द क्लास ओके टुक चांस टू रीड, ईच पर्सन रिसीव्ड एन इनवाइट टू द डिनर पार्टी, तो ये प्रत्येक इंडिविजुअल सबको दोगे जा करके, यहां पर देखो ग्रुप की बात करेगा। एवरी टीचर हैड टू अटेंड द ट्रेनिंग डे, जो ट्रेनिंग डे था वो प्रत्येक टीचर को अटेंड करना पड़ा, इसका मतलब ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। बाउल में भी जितने क्या हैं, जितने भी एप्पल हैं ग्रुप में हैं वो, ठीक है, और जब सभी ग्रुप में हैं वो सभी क्या हैं, पके हुए हैं। टीम में भी पूरी टीम के ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि ग्रुप के रूप में, जैसे मान लीजिए विश्व कप ट्रॉफी आप जीत करके लाए तो सबको अलग अलग नहीं, जैसे 11 खिलाड़ी हैं मान लीजिए तो 11 खिलाड़ियों को अलग अलग ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, सबको एक ही ट्रॉफी दी जाएगी। तो यहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ द टीम रिसीव्ड अ मेडल, ठीक है। अगर अलग अलग वो मेडल दिया जा रहा है तो इंडिविजुअल दिया जा रहा है तो हम वहां पर ईच का प्रयोग। चलो अब एक और यहां पर आया है फ्योर, जरा ध्यान से समझना, और लेस, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। जो फ्योर होता है वो काउंटेबल नाउन यानी कि नंबर के लिए लगता है, और लेस का प्रयोग हम कहां करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए। तो देखो इन दोनों शब्दों के बीच में आपको जानकारी हो जाना चाहिए, ये जो हमारा फ्योर है इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन और नंबर के साथ होता है, ये जो हमारा लेस है इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन यानी कि क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना। एक चीज और मैं बता दूं कि लेस का जो प्रयोग होता है सिंगुलर थिंग्स और टाइम्स मेजरमेंट के लिए, और फेयर का प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए होगा। देखो यहां पर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो इन दोनों का अर्थ, फियर का भी अर्थ जो हिंदी मीनिंग होता है वो कम होता है, और लेस का भी मतलब हिंदी मीनिंग जो होता है वो कम होता है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है लेकिन इनके प्रयोग में फर्क है, एक काउंटेबल नाउन के साथ आता है और दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। एक सिंगुलर नंबर के साथ आए, देखो जब ये मेजरमेंट है, जब ये मेजर करने के लिए अनकाउंट क्वांटिटी को बताएगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, तो ये हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। फ्योर जो है वो काउंटेबल है तो ये हमेशा प्लूरल नंबर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ। चेक करो इसे, एग्जाम्पल देखो, आई फाउंड लेस बुक्स,
भैया देखो बुक्स हमारी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, आप ही बता दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कहोगे सर बुक्स तो हमारी काउंटेबल है। अरे काउंटेबल है तो इसके आगे ये लेस क्या कर रहा है? हमने कहा ये तो भैया लेस जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी कि कहीं मात्रा बताई जा रही हो, तो इसका मतलब बुक के साथ हम लेस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फेयर। ठीक है, बात समझ गए। इसी तरीके से यहां पे देखो सोर्स, अब देखो सोर्स हमारा भाई क्या है? अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो भाई इसके साथ फेयर क्या कर रहा है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? लेस लगाते हैं, तो यहां पे लेस कर दो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वाक्य में चीजों को पहचानते हैं। देखो भाई मनी हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आप कहोगे सर ये तो काउंटेबल है ना। अरे भैया मनी कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल में रहता है। ध्यान रखना हाउ मच मनी, रुपी, अगर यहां पर शब्द होता रुपी तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या है ये आपकी काउंटेबल यूनिट है रुपी, ना कि मनी। मनी अनकाउंटेबल होता है, हमेशा ध्यान रखना। कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अरे जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? लेस 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 लेस। ठीक है, कार्स, बताओ भैया ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल? बोले सर कार, कारों को तो कौन नहीं गिन लेगा, तो गिन लोगे तो क्या आएगा भैया? फ्यूर। काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा भाई? फ्यूर फ्यूर फ्यूर, ये लगा लो फटाफट। यहां पे देखो बोटल्स काउंटेबल, बोले बोटल्स लेकिन वो है किसकी? पानी की, तो पानी तो हमारा अनकाउंटेबल, लेकिन हमें तो इससे मतलब है ना, ये तो काउंटेबल है बोटल्स, बोतल को तो गिन सकते हैं, तो क्या आएगा भैया? जब ये काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ फेयर लगा दो, एफ ई डब्ल्यू ई आर, फेयर। राइस, राइस हमारा अनकाउंटेबल है, राइस चावल चावल, ये हमारा अनकाउंटेबल है, और जब ये हमारा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या आएगा भाई? इसके साथ आएगा लेस लेस। तो फ्यू फ्यूअर और लेस के बीच में भी हम बता चुके हैं, लिटिल आ लिटिल, दी लिटिल, फ्यू आ फ्यू, दी फ्यू, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, तो इनको अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम सब कुछ ये डिस्कस कर चुके हैं। हाँ ये देख लो, ये नहीं बताया है, ये दोनों शब्द समझ लो भैया कि लेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटेस्ट क्या होता है, फिर फॉर्मर क्या होता है, लेटर क्या होता है, और लास्ट क्या होता है, इनको जरा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो ये जो ऊपर हमने लिखे है ना, ये सब टाइम को इंडिकेट करेंगे। किसको इंडिकेट करेंगे? टाइम को। और ये जो फॉर्मर लेटर और लास्ट है ना, ये किसको? पोजीशन को इंडिकेट करेगा। अब इनके बीच में जरा थोड़ा सा डिफरेंस समझो। हमने कहा देखो ये वो वाला लेटर नहीं है, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में एक और लेटर जा रहा होगा, भैया वो लेटर नहीं है। कौन सा लेटर है ये? ये तुम जो सोच रहे हो वो ये वाला तो नहीं सोच रहे हो, एल ई डबल टी ई आर, इसका मतलब होता है पत्र। ठीक है, तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं भाई, ये लेटर है। लेटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाद में। क्या होता है भैया? बाद में, एल ए टी ई आर, एल ए टी ई आर, इसका मतलब होता है भाई बाद में, बाद में। जैसे हमने कहा बाद में आना, बाद में आना, ठीक है, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद आना, इसका मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूं, पांच मिनट बाद आना, दस मिनट बाद आना, एक घंटे बाद आना, बाद में। ठीक है, ये वाला। अब एक लेटर और है, ये तीन लेटर आपके सामने आ जाएंगे। एक लेटर, अब ए एल ए सिंगल टी नहीं है भैया, अब डबल टी है। अब जब डबल टी आ जाए भाई, डबल टी आ जाए, तो इसका हिंदी मीनिंग मैं लिख देता हूं थोड़ा डिफरेंट करके, बाद बाला। इसके साथ मैं बाला जोड़ रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है, अभी समझाऊंगा, बाद वाला। अब मान लीजिए सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ दो ही हैं पोजीशन में, सिर्फ दो ही हैं, हमने कहा एक और दो, सिर्फ दो ही हैं, तो हम कहेंगे ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है भैया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मर, फॉर्मर, एफ ओ आर एम ई आर। देखो फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला, और ये लेटर एल ए डबल टी ई आर, भैया एल ए
डबल टी ई आर, लेटर का मतलब होता है मेरे भाई बाद वाला, बाद वाला, ठीक है, लेटर का मतलब होता है भाई बाद वाला, सिर्फ दो में से, और दो से अधिक में से पहले वाला या बाद वाला चुनाव करना पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, नोट कर लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट एंड लास्ट लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पहला और लास्ट बाद में। ये कब होता है, दो से अधिक, मान लीजिए 15 लोग हैं टोटल, 15 लोग हैं टोटल, तो 15 लोगों में कोई एक फर्स्ट भी होगा और कोई एक क्रम में लास्ट भी होगा, तो जो फर्स्ट, हाँ, तो उसे हम फार्मर नहीं कहेंगे, 15 लोगों के बीच में हम फार्मर और लेटर नहीं कहेंगे, पहले वाला और बाद वाला नहीं भैया, सिर्फ दो में, सिर्फ दो में। हमने कहा कि राम और श्याम, ठीक है, तो सिर्फ दो ही हुए, पहले वाला और बाद वाला। तो या मान लीजिए यहां पर सब्जेक्ट वन लिख दिया हमने, यहां पर सब्जेक्ट टू लिख दिया हमने, हमने कहा पहले वाला, अब दो ही तो आए सब्जेक्ट, जब दो ही हैं तो पहले वाला सब्जेक्ट और ये बाद वाला। अब मान लीजिए हमने और सब्जेक्ट थ्री लिख दिया, सब्जेक्ट फोर लिख दिया, ठीक है, अब देखो चार हो गए, दो से अधिक में से, हमने कहा अब इनमें से पहले वाला, तो ये अब पहले वाले के लिए फॉर्मर नहीं लिखोगे भाई, फर्स्ट लिखोगे और ये लास्ट लिखोगे। जब दो से अधिक में से पहले वाला चुनाव करना हो तो फर्स्ट, दो से अधिक में से बाद वाले का चुनाव करना हो तो लास्ट, सिर्फ दो में से पहले वाले का चुनाव करना है तो फॉर्मर, और सिर्फ दो में से लास्ट वाले का चुनाव करना है तो लेटर, ठीक है। हमने कहा सिर्फ दो, पहली वाली उंगली बाद वाली उंगली, पहले वाली उंगली यानी कि फॉर्मर लेटर, ठीक है। अब ये है, अब इसमें पांच उंगलियां हो गई, अब हमने कहा पहले वाली उंगली और ये लास्ट वाली उंगली, इसका मतलब फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, बोलो क्लियर है भाई, ठीक है। और एक फार्मर कहीं ये एफ ए आर लगा हो तो इसका मतलब होता है भैया किसान, एफ ए आर एम ई आर का मतलब होता है किसान, ये एफ ओ आर है, ठीक है, पहले वाला। मुझे लग रहा है सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, तो ये लेटर आपको समझ में आ गया और ए वाला लेटर भी, बाद वाला भी समझ में आ गया, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है फॉर्मर, और लास्ट का अपोजिट होता है, मैं यहां पर लिख दूं फर्स्ट, अरे यार क्या लिख रहा हूं, माफ करना, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट। अब इधर देखो, ये पोजीशन को शो करेंगे, लेटर लेटेस्ट, लेटर लास्ट, ये चारों शब्द समझना, ठीक है, लेटर बाद में, बाद में, लेटेस्ट कहते हैं हाल फिलहाल का, जो अभी कहते नहीं, बहुत लेटेस्ट कोई न्यूज हो बताओ भाई, कोई लेटेस्ट न्यूज है तुम्हारे पास, इसका मतलब जो सबसे बाद वाली है, यानी कि लेटेस्ट न्यूज बिल्कुल हाल फिलहाल की। तो देखो बाद में, यहां पर समझिएगा, लेटर का अर्थ है बाद में और लेटेस्ट का अर्थ है हाल फिलहाल, यानी कि नवीनतम, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी कोई लेटेस्ट न्यूज, अभी कोई लेटेस्ट मोबाइल जो लॉन्च हुआ हो, ठीक है। तो ये दोनों ही, इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं, टाइम को दर्शाने के लिए, ठीक है, टाइम को दर्शाने के लिए, बात समझ में आ गया, लेटर बाद में आना, और ये लेटेस्ट जो अभी का, एकदम हाल फिलहाल का, तुरंत अभी, ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में लगाया जाता है, हाल फिलहाल, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। अब देखो एल ए डबल टी ई आर, लेटर बाद वाला और लास्ट एकदम अंतिम, ये दोनों ही स्थान यानी कि पोजीशन को दर्शाते हैं। मैं इनके साथ एक फॉर्मर शब्द और फर्स्ट शब्द और जोड़ देता हूं, ठीक है, फर्स्ट इसका अपोजिट रहेगा और फॉर्मर इसका अपोजिट रहेगा, ठीक। ये सिर्फ दो से, दो में से पहला, दो में से बाद वाला, ये दो से अधिक में से पहला और दो से अधिक में से बाद वाला, यहां पे देखो, द टीचर
केम लेटर देन मी। अब भाई समझो, ये टाइम को शो कर रहा है, वो मेरे बाद आया तो लेटर देन मी, कौन सा वाला? ये वाला लेटर आएगा। ये तो भाई दो में से बाद वाला होता है, ठीक है, पोजीशन को दर्शाने के लिए होता है वो भी। और वो मेरे बाद आया, दो मिनट बाद आया, तीन मिनट बाद आया, इसका मतलब टाइम को शो करने वाला लेटर आएगा, एल ए टी ई आर लेटर। ठीक, द लेटेस्ट कैंडिडेट। भैया लेटेस्ट कैंडिडेट होता है कोई? अरे नहीं, लास्ट कैंडिडेट, लेटेस्ट नहीं होगा भाई, यहां पे क्या होगा? लास्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो लेटेस्ट की जगह पे क्या कर लो? लास्ट कैंडिडेट। जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनको जरा भरो। यहां पर ये कुछ ही शब्द आएंगे, जैसे लेटर आ सकता है, ये वाला लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, चार शब्द है आपके साथ, ये चारों शब्द जरा भर के दिखाओ। जैसे ही रीच्ड स्कूल देन यूजुअल, बताओ भाई ये टाइम को शो करेगा, ये भी टाइम को शो करेगा। ये पोजीशन मैं लिख देता हूं, ये टी लिख देता हूं, समझ जाना टी, ये पोजीशन को, ये टी और ये भी पोजीशन को, ठीक है। तो देखो, ही रीच्ड स्कूल देन यूजुअल, जो हमेशा जैसे जाता था, मान लीजिए 7 बजे, आज वो या तो जल्दी पहुंचा होगा या बाद में पहुंचा होगा हमेशा, तो भाई टाइम वाला आएगा ए वाला लेटर, एल ए टी ई आर लेटर, ठीक है। द न्यूज, न्यूज कैसी होगी भाई? लेटेस्ट न्यूज की बात करेंगे, फ्रॉम द आर्कटिक इज वेरी अलार्मिंग, तो लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेटेस्ट न्यूज। माई नेबर हैव अ सन एंड अ डॉटर, द फॉर्मर। अब भाई दो ही हैं, देखो एक सन है और एक डॉटर है, एक और दो, तो पहले वाले के लिए मान लीजिए फॉर्मर आ गया, तो बाद वाले के लिए क्या? पहला वाला, इसका मतलब इनका बेटा जो है वो क्या बन गया? टीचर बन गया, और इनकी बेटी क्या बन गई? नर्स बन जाएगी। तो फार्मर का अपोजिट क्या होता है? एल ए डबल टी वाला, बाद वाला, बाद वाला लेटर। दिस इज द लास्ट, दिस इज द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ द एक्सरसाइज, थैंक यू फॉर डूइंग इट, सी यू। तो सी यू कौन सा? सी यू, सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, यानी कि टाइम, दो दिन बाद मिलेंगे, तीन दिन बाद मिलेंगे, कितने दिन बाद मिलेंगे, तो सी यू लेटर, ये वाला लेटर। ये सब चीजें हम बता ही चुके हैं आपको, लेटर ए टाइम यानी कि बाद में, लेटेस्ट टाइम हाल फिलहाल का यानी कि नवीनतम, और ये वाला जो लेटर है वो क्या है हमारा? बाद वाला यानी कि पोजीशन को, और लास्ट यानी कि अंतिम, ये भी पोजीशन को। मैंने इन चारों के बीच में फर्क भी आपको अच्छे से दर्शा दिया है, चाहो तो इसमें और आप अपना फर्क जानना चाहो तो जान लो थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई क्या है, लेटर किसको रेफर करेगा? टाइम को, देर से या बाद में, ठीक है, देन अर्लियर, ही केम लेटर देन आई, तो ये वाला, देर से या बाद में, वो मेरे बाद आया। एल ए डबल टी ई आर आ जाए, ये किसको? पोजीशन को रेफर करता है, क्रम या स्थान में, और इसका अपोजिट क्या होगा? फॉर्मर होगा, ठीक है, लेटर का अपोजिट क्या होगा? फॉर्मर। ये बाद वाला होता है और ये पहले वाला होता है, ठीक है, जैसे राम एंड मोहन, और ये सिर्फ दो के लिए ही लगता है लेटर एंड फॉर्मर, दो से अधिक के लिए फर्स्ट एंड लास्ट लगता है। ये सिर्फ राम एंड मोहन दो दोस्त हैं, पहला वाला पास्ट हो गया जबकि दूसरा वाला, तो ये वाला लेटर आएगा, ठीक है, बाद वाला। लेटेस्ट, कोई रिसेंट बात हो, ठीक है, सबसे बाद का, अप टू नाउ, अब तक का, यानी कि लास्ट, तो इसे हम कहते हैं यानी कि हाल फिलहाल का, वो जल्दी सबसे लास्ट में जो आया हो तो वो लेटेस्ट होता है हमारा, तो दिस इज दी लेटेस्ट फैशन। और अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट वाल, सबसे अंत में, और इसका अपोजिट होता है भाई फर्स्ट, ये दो से अधिक में से पहला और सबसे बाद वाला लिया जाता है। जैसे दो से अधिक में से मैं बात करूं, हमने कहा 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सबसे पहला मंथ कौन सा होगा? बोले सर जनवरी होगा, तो जनवरी के लिए हम साल का फर्स्ट मंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर?
फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। हमने कहा इसके बाद वाला यानी कि सबसे अंतिम, अब दो में से नहीं बल्कि 12 में से चुनना है, 12 में से यानी कि साल का सबसे अंतिम कौन सा होगा, बोले सर दिसंबर होगा, तो इसके लिए आप लेटर मंथ लिख दीजिएगा, गलती से भी भैया लेटर मंथ मंथ लिख दीजिएगा ये वाला, ये सिर्फ दो से, सिर्फ दो हो दो में से अंतिम बताता है, और दो से अधिक में से अगर अंतिम आपको बताना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, लास्ट लिखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझो सारी चीजें, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता भाई। आगे देखो क्या है, मच और मैनी आ गया, देखें अभी तो काफी है, इसको दूसरी उसमें ले लेते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम ये बता देंगे आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।